सो व्हाट्सअप के इसके साथ सभी लोग वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग वापस से एक बार प्ले करने जा रहे हैं लोकी क्राफ्ट। आप लोगों को याद होगा पिछली वाली वीडियो में ना हम लोग एक कार्सल बनाए थे जिसके पास में ठीक एक एक्सपी फार्म था जो कि वर्क नहीं कर रहा था। तो आज मैं माइनिंग कर रहा था तो मुझे दिखता है यहाँ पर एक ज़ॉम्बी स्पोनर, जिसे देख के मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना यहाँ पर बना दिया जाए अपना एक्सपी फार्म। तो मैं लगता हूँ अपने काम पे और यहाँ पर एक चेस्ट थी जिसमें बहुत ही गंदी लूट थी, बट मैं ले लेता हूँ सामान, कोई सा भी हो काम आ सकता है। और गैस अभी इस चेस्ट को भी मैं उखाड़ देता हूँ और अभी यहाँ पर क्या काम करने वाले हम लोग, तो मुझे ना इसको 3 ब्लॉक गहराई तक लेके जाना है। तो काम पे लग जाता हूँ एंड इसको मैं 3 ब्लॉक गहराई तक पहुँचा देता हूँ। तो इस टाइप से मैं ना 3 ब्लॉक गहराई तक इसको लेके चलता हूँ ताकि जो भी स्पॉन हो वो सीधे नीचे ही जाए एंड नीचे जाके वो पानी में मतलब तैरने लगे। यहाँ पर हम लोग वाटर भी डालेंगे। तो इस टाइप से ना मैं 3 ब्लॉक गहराई तक चला जाता हूँ। तो चलो इस टाइप से मैं माइनिंग करते करते 3 ब्लॉक गहराई तक जाने वाला हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली मैंने 3 ब्लॉक गहराई तक आ चुका हूँ और अब बारी है यहाँ पर 8 ब्लॉक दूरी पर जाने की। तो चलो यहाँ पर वाटर डाल के देख लेता हूँ कितनी दूरी तक वाटर जाता है। तो चलो मुझे और एक ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलो यहाँ पर और एक ब्लॉक तोड़ देता हूँ। तो इस टाइप से मैं और एक ब्लॉक इस तरफ से, तो यहाँ पर इस तरह से मैं एक और ब्लॉक तोड़ देता हूँ। चलो गाइस, यहाँ पर एक ब्लॉक तोड़ने के बाद और यहाँ पर हम लोग एक और ब्लॉक गहराई तक जाएंगे ताकि यहाँ से ज़ॉम्बी हमारे आएंगे और इस तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ज़ॉम्बी आएंगे और इस तरफ आएंगे और यहाँ पर रहेगा अपना चेस्ट वाला सारा सिस्टम। तो चलो यहाँ पर एक और ब्लॉक तोड़ लेते हैं और यहाँ पर लगेगा अपना होपर। चलो इस तरह से, और यहाँ पर लगेगी अपनी चेस्ट। तो चलो इसको भी हम लोग तोड़ देते हैं। तो 2 चेस्ट लगाऊंगा इसलिए साइड में भी मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो चलो, और अब यहाँ पर बनाने वाले हम लोग अपनी सीढ़ियाँ ऊपर जाने की। तो चलो मैं लग जाता हूँ सीढ़ियों को बनाने में एंड इस टाइप से हमारी सीढ़ियाँ बनेगी। तो चलो गाइस, फाइनली हमारी सीढ़ी बन चुकी है, बट सीढ़ी बनाने में बहुत ही ज़्यादा देरी लग रही थी तो मैंने वो लकड़ियों की लेडर का यूज़ किया है, उसको मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। बट अभी ना मैं बाहर आ चुका हूँ तो क्यों ना मैं होपर कलेक्ट कर लेता हूँ अपने पुराने वाले एक्सपी फार्म से। तो चलो यहाँ से अपन लोग 2 होपर को तोड़ लेते हैं, मुझे चाहिए 1 ही बट 2 तोड़ लेता हूँ। चलो गाइस, यहाँ पर से एक और चेस्ट भी ले लेता हूँ मैं। तो चलो यहाँ से हम लोग ने चेस्ट भी ले लिया है, एक चेस्ट हम लोगों ने वहाँ से उखाड़ी थी, वो चेस्ट भी काम ले लेंगे। तो चलो अब चलते हैं हम लोग उस वाले मतलब जगह पर जहाँ पर मैंने लेडर वगैरह लगाई है, तो वो हमारे घर के सामने ही है। ठीक है, तो चलो गाइस फाइनली उस जगह पर आ चुका हूँ। देख सकते हो मैंने इस टाइप से लेडर लगाई है, बहुत ही गहरी है ये लेडर एंड थोड़ी बहुत हम लोग ने सीढ़ियाँ वैसी की वैसी बना दी थी। तो चलो ये बहुत ही गहरी है, आप लोग देखो कितना गहरा है ना। तो चलो फाइनल मैं आ चुका हूँ और यहाँ से अपनी सीढ़ियाँ शुरू होती है कुछ इस टाइप से। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से नीचे जा सकते हैं एंड मेरे पास टॉर्च ख़त्म होने वाली है। तो चलो यहाँ पर देखो अपना पूरा सिस्टम रेडी हो चुका है एंड अब बारी है सिर्फ पानी डालने की। तो चलो यहाँ पर मैं पानी डाल देता हूँ एंड देखता हूँ कहाँ तक पानी जाता है। तो मैंने 8 ब्लॉक तो गिन लिए थे, शायद वहीं पर ही अटक जाएगा, देखा बोला था ना। तो यहाँ पर लगेगा अपना होपर एंड चेस्ट, यहाँ पर लगेगा होपर एंड यहाँ पर लगेगी अपनी चेस्ट। तो चलो मैं यहाँ पर पहले तो चेस्ट लगा लेता हूँ ताकि बाद में होपर कनेक्ट हो जाएगा चेस्ट से, मैं क्या बोल रहा हूँ पता नहीं। तो चलो इस ब्लॉक को मैंने गलत लगा दिया, मुझे वापस से इसको तोड़ना पड़ेगा अपनी चेस्ट लगाने के लिए, और इस ब्लॉक को भी मुझे तोड़ना पड़ेगा ताकि हम लोग यहाँ पर बैठ के ही ज़ॉम्बी को मारने वाले हैं। तो चलो लेट्स गो, यहाँ पर अपना चेस्ट लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे अपना होपर। तो मैं चेस्ट इस साइड से लगाऊंगा ताकि चेस्ट का जो मुँह है वो इस तरफ बना रहे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर अपना चेस्ट कहाँ पर गया, ये रहे 2 चेस्ट। तो चलो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इस टाइप से। तो चलो अपनी चेस्ट हो चुकी है कंप्लीट और अब यहाँ पर अपने बारी है होपर लगाने की। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना पानी अभी के लिए ना रोक देते हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर लगा देते हैं अपना होपर बैठ के ताकि चेस्ट से कनेक्ट हो जाए होपर। तो कहाँ गए अपना होपर, ये रहा होपर एंड ये फाइनली चेस्ट से कनेक्ट हुआ या फिर नहीं इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर होपर फेंक के देख लेते हैं। तो चलो यहाँ पर हम लोग ने होपर फेंका एंड ये अपनी चेस्ट पे आ चुका है, यानी कि कनेक्ट हो चुका है। तो चलो अब इस ब्लॉक को भी हम लोग तोड़ देते हैं ताकि पानी यहाँ पर आ जाए। तो इस टाइप से हम लोग जिस टाइप से आए उस टाइप से ज़ॉम्बी आएंगे और यहाँ पर हम लोग उसको मारेंगे। तो चलो अभी के लिए ना हम लोग ऊपर चलते हैं एंड ऊपर से मैं पानी लेके आ चुका हूँ और अब बारी है यहाँ पर पानी डालने की।
ताकि हमारा जो बहुत ही जल्दी काम मैंने पूरा कर दिया, मुझे नहीं लग रहा था मैं इतनी जल्दी काम पूरा कर दूंगा। तो चलो अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एंड अब बारी है यहाँ पर पानी डालने की। तो चलो मुझे कितनी बकेट पानी चाहिए रहेगा मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं काफ़ी सारी बकेट का पानी लेके आया हूँ। तो चलो मुझे ऊपर जाके शायद से लगाना चाहिए, ताकि गाइस हम लोग जो है ये गलती से जहीं दूसरी जगह पर पानी डालते हैं ना वो नहीं डलेगा। तो चलो यहाँ से मैं ऊपर चला जाता हूँ वाटर की मदद से। तो इस तरह से वाटर डाला और अभी मैं जाऊँगा ऊपर। अरे रे रे मैं नीचे क्यों गिर रहा हूँ। ओके फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ एंड अब हम लोग वाटर यहाँ पर डाल देते हैं बची हुई जगह पर। बट यहाँ पर ना मैं जाने का रास्ता भी तोड़ कर देता हूँ, ताकि हम लोगों को टॉर्च भी तोड़नी है अभी। तो चलो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एंड अब यहाँ पर हम लोग अपना वाटर डाल देते हैं। तो चलो ये रही वाटर की बकेट है एंड इसको मैंने इसकी जगह पर ले लेता हूँ एंड दो वाटर की बकेटें में हो जाएगी। बाकी मैं बहुत सारी लेके आया हूँ, देखो आप कितनी सारी लेके आया हूँ। तो चलो इस टाइप से मैं डाल देता हूँ एंड एक और डाली। ओके एंड लास्ट बकेट भी डाल देते हैं हम लोग लास्ट वाले ब्लॉक पे, ताकि हमारा काम जो है वाटर का पूरा हो जाए। तो चलो मैंने यहाँ पर भी डाल दिया एंड ये देखो भाई कितना ईजी से हमारा जो ब्लॉक था वो चला गया। तो चलो अब हमारी बारी है टॉर्चे तोड़ने की। तो मैं जी यहाँ पर थोड़ा और रास्ता कर लेना चाहिए जाने का, क्योंकि भाई मैं बाहर कैसे निकलूँगा, अपने चेस्ट के पास कैसे जाऊँगा। तो चलो यहाँ पर मैं चेस्ट के पास जाने का भी एक रास्ता बना लेता हूँ एंड बाद में हम लोग थोड़ी देर एएसके होके देखेंगे कितने ज़ॉम्बी आते हैं। तो चलो इस टाइप से मैंने रास्ता बना दिया एंड फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने चेस्ट वाली जगह पर। मुझे थोड़े से और ब्लॉक तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं चेस्ट के पास आ चुका हूँ लेकिन अभी तक नहीं आया, लेकिन अब आ चुका हूँ। चलो अब मैं आ चुका हूँ और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कुछ इस टाइप से बना दूंगा। ओके इसको तोड़ दिया और राइट गाइस, तो मैं बाहर आ चुका हूँ। ये देखो किस तरह से मैं बाहर आ सकता हूँ। तो चलो अब इस यहाँ पर ना अपने वो क्या बोलते हैं उसको स्लेब्स लगा देते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर ज़ॉम्बी आएंगे तो सीधा हम लोग उसको मारना शुरू करेंगे। क्या पता यहाँ पर रास्ता खुला रह गया और भाई ज़ॉम्बी आना शुरू हो गए, भाई मेरी तो वाट लगा देंगे। तो गाइस और एक स्लेब लगा देता हूँ, ताकि ज़ॉम्बी का बच्चा हो ना वो भी बाहर आ ना सके, क्योंकि उससे तो मेरी भाई बहुत गहरी दुश्मनी है, मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो कितना छोटा सा आता है ना, इतना डैमेज देता है ना कि भाई क्या बताऊँ। तो चलो अब वापस से हम लोग अपने टॉर्चे तोड़ने चलते हैं एंड अब हमारा एक्सपी वाम पूरी तरीके से रेडी है एंड चलो यहाँ से इस टाइप से मैं टॉर्च को तोड़ देता हूँ एंड ये सीधी चली जाएंगी अपनी चेस्ट में, अपनी मतलब जो टॉर्च है वो वेस्ट भी नहीं जाएगी, बहुत ही बढ़िया। चलो तो एक लास्ट बची है एंड ये देखो ज़ॉम्बी स्पॉन होना शुरू हो चुके भाई साहब। चलो इसको यहाँ पर ना मुझे इस तरह से ब्लॉक लगाते हुए आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक अभी भी बाकी है, एक और टॉर्च तोड़ना अभी भी बाकी है। और मैं नीचे गिर गया भाई, बहुत गलत सीन हुआ। ओके यहाँ पर विलेजर ज़ॉम्बी भी है और फिर मुझे डैमेज देंगे और मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से। ओके चलो इसको मैंने मार दिया और भाई फटाफट से इसको तोड़ो भाई भाई भाई, भाई तोड़ो इसको, मुझे बाहर निकलना, पीछे से ज़ॉम्बी आ रहे होंगे। देखो आ रहा है। ओए 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 मत मार। बहुत बुरी तरह इसको ख़त्म कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पर ना मैं स्लेब लगा देता हूँ, ताकि ज़ॉम्बी और आएंगे ना तो वो मत आए। बट मुझे अभी एक टॉर्च तोड़नी बाकी है, तब जाके हमारे बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे ना। आई थिंक मैंने वो तोड़ी नहीं थी ना, तो चलो तोड़ने के लिए चलते हैं, देखते हैं तब तक कितने ज़ॉम्बी आते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर साइड पे, ओ ज़ॉम्बी का बच्चा, इससे मुझे बहुत डर लगता है भाई, लिटरली मैं ये छोटा होता बट बहुत तेज़ भागता है भाई, क्या तेज़ भागता है पता आप लोगों को। और ये लास्ट वाली टॉर्च भी मैंने तोड़ दी। चलो यहाँ पर पूरा अंधेरा हो चुका है ना, अभी ज़ॉम्बी देखो भाई कितने जल्दी स्पॉन हो रहे हैं। और ये मैंने लगाए हुए स्लेब वगैरह तोड़ देता हूँ मैं एंड इसको तोड़ने के बाद जाते हैं वहाँ पर एंड देखते हैं कितने सारे ज़ॉम्बी आ रखे हैं। तो चलो वो देखो भाई ज़ॉम्बी की लाइन पड़ी है इधर, तो अब तुम सब मरोगे, रुको निकल लो। ओ भाई ये डैमेज दे रहा है, ऊपर भी डैमेज दे सकते हैं क्या ये। ओके तो चलो अब बारी है इन सबको मारने की एंड लेट्स गो। तो अब हम लोग इनको मारना शुरू करते हैं, पहले खाना वाना खा लेते हैं। चलो अब मारना स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से एंड हम लोग काफ़ी सारे एक्सपी कलेक्ट करने के बाद अपने पिकेक्स और अपने सोल्ड पे लगाएंगे एंटेंचमेंट। तो चलो यहाँ पर ओके ये ज़ॉम्बी का बच्चा भाई मुझे दिक्कत दे रहा है, रुक तेरी तो ऐसी की तेजी थल आदमी तू तो गया पूरी तरीके से। चलो यहाँ पर इस तरह से ओके ओ उसको ना एक बार मारा ना तो वो मर जाएगा। चलो मैंने कहा मैंने 18 अपना
एक्सपी कर लिया है 18 लेवल और अब मैं अपने पिकेक्स में लगाने वाला हूँ। देखते हैं क्या क्या लगते हैं। चलो गाइस देख लेते हैं क्या क्या लगने वाले है। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, अनब्रेकिंग 1, तो ये मुझे लगाना है। ये क्या है भाई, ये पता नहीं क्या है लिखा हुआ, इफेक्ट वाला है ना वो, जो जिसको मारने के बाद इफेक्ट देते हैं, तो ये इस पर तो कोई काम है नहीं। तो चलो इसको नहीं, मैं अनब्रेकिंग को लगाऊंगा। तो दो बार अनब्रेकिंग है भाई, पहले पे भी अनब्रेकिंग है एंड लास्ट में भी अनब्रेकिंग है। तो लास्ट वाला मैंने अनब्रेकिंग लगा दिया है एंड अपना पिकेक्स हो चुका है रेडी अनब्रेकिंग 1 लगा के बाद। ओके तो चलो अब बारी अपने सोल्ड की। तो चलो इसमें भी अपने सोल्ड में भी लगा लेता हूँ। तो देखता हूँ अपने सोल्ड में क्या लगती है। तो इस पर लगती है स्नेपनेस 1। ओके स्नेपनेस 1 शायद से, मेरे ख्याल से सारी स्नेपनेस 1 ही है। तो चलो इसको भी मैंने लगा दिया है एंड अब भाई हमारा वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।